जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदि शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है वह होने वाला है मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक का जो यह समय है यह आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से 31 अगस्त का यह 31 अगस्त 2023 का यह जो समय है आपके लिए कैसा रहेगा। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र कुंडली से चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं आत्मविश्वास आप में भरपूर रहने वाला है और 15 अगस्त तक जो है कारोबार में परिश्रम आपका अत्यधिक जरूर रहेगा। 15 अगस्त तक आपको जो है अपने कार्य में जो है अपने कारोबार में जहां भी व्यापार या नौकरी जो भी करते हैं वहां आपको जो है अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। 16 अगस्त से परिश्रम में थोड़ा सा कमी आएगी परंतु फिर भी रहन सहन जो है आपका अव्यवस्थित रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको रखना है ध्यान। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरी में जो है अवसरों से सद्भाव बना करके आपको रखने हैं और 16 अगस्त के बाद से लेके 31 अगस्त तक का जो यह समय होगा यह आपके लिए बहुत शुभ होगा और विदेश यात्रा के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। यात्राएं जो आपके होंगे वह आपके लिए लाभदायक होने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2023 का यह समय। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं 11 अगस्त से लेकर के जो आपका 11 अगस्त से 31 अगस्त तक अगस्त का यह जो समय है तो 11 अगस्त से जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है और 17 अगस्त से जो है माता का सानिध्य आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा और 21 अगस्त के बाद जो है संतान की ओर से सुखद समाचार भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग दिख रहे हैं और बौद्धिक कार्यों से जो है धन की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त का यह समय। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं 11 अगस्त से जो है किसी भी तरह के विवाद व झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना है। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं फंसना है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और 17 अगस्त से जो है नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिलती हुई दिख रही है। परिश्रम आपका अत्यधिक रहेगा, परिश्रम आपको अत्यधिक करना पड़ेगा। 21 अगस्त के बाद जो है मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए दिख रही है, माता का सानिध्य भी आपको मिलेगा, कारोबार में वृद्धि के योग आपके लिए दिख रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2023 का यह समय। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं यह समय जो है 11 अगस्त से बातचीत में आपको थोड़ा सा संयमित रहना है और संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के कार्यों में सुखद परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। 17 अगस्त से धैर्यशीलता में कमी भी आएगी, जो है 17 अगस्त के बाद जो आपकी धैर्यशीलता है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, परंतु किसी से धन प्राप्ति भी आपको इस समय हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है, माता के स्वास्थ्य में सुधार आपके होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त का यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं 11 अगस्त से आत्मसंयमित आपको रहना है, धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। 17 अगस्त से जो है आत्मविश्वास में वृद्धि तथा खर्चों की कमी आएगी और परंतु जो है परिवार में शांति आपको बनाए रखने का प्रयास करना है। शांति परिवार में जो है शांति का आपको प्रयास रखना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और वाहन के रखरखाव में भी खर्च आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 21 अगस्त से जो है कारोबार में लाभ के अवसर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं।
बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त का यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए यह जो समय है आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी आते हुए दिख रही है 11 अगस्त के बाद, परंतु 21 अगस्त के बाद जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए दिख रही है। 21 अगस्त के बाद पुनः आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पिता के स्वास्थ्य में सुधार भी होता हुआ दिख रहा है 21 अगस्त के बाद। और 11 अगस्त के बाद जो है नौकरी में कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, परिश्रम आपको जो है अत्यधिक करना पड़ सकता है। और 17 अगस्त से जो है खर्चों में भी वृद्धि होते हुए दिख रही है, परंतु बौद्धिक कार्यों से जो है आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं, उपहार के तौर पे वस्त्रों की आपको जो है प्राप्ति होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का यह समय। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से यह जो समय होगा, तो 11 अगस्त से जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बातचीत में थोड़ा सा आपको संयमित रहना है। कारोबार में भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है, भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। 17 अगस्त से आय के में जो है आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, 17 अगस्त के बाद आय में वृद्धि होते हुए दिख रही है, परंतु धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। 21 अगस्त से जो है कारोबार में विस्तार के लिए निवेश आप कर सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ निवेश भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त लेके 31 अगस्त का यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो 11 अगस्त के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए दिख रही है, परंतु नौकरी में अवसरों से व्यर्थ के बाद विवाद भी आपके होते हुए दिख रहे हैं, तो उससे आपको दूर रहना है। 17 अगस्त से जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, धार्मिक संगीत में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और 17 अगस्त से ही जो है मान सम्मान में भी वृद्धि होते हुए दिख रही है, परंतु रहन सहन थोड़ा सा आपका कष्टमय हो सकता है, किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कि धनुराशि के जातकों के लिए 11 अगस्त से लेके और 31 अगस्त का यह समय कैसा रहेगा। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहने वाले हैं और 11 अगस्त से जो है खर्चों में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं, आपके खर्चों में वृद्धि होते हुए दिख रही है। 17 अगस्त के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर आपको मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होते हुए दिख रही है, परिश्रम आपको अधिक जरूर करना पड़ेगा और 21 अगस्त के बाद जो है कारोबार में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी संयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यात्राएं आपकी अत्यधिक रहने वाली हैं, खर्चों में वृद्धि के योग जरूर दिख रहे हैं और वाहन के रख रखाव में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से 31 अगस्त 2023 का यह समय। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातकों को 11 अगस्त से लेकर के धैर्यशीलता में कुछ कमी आते हुए दिख रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार जरूर होता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ 11 अगस्त के बाद आपको दिखने लग जाएगा। और 17 अगस्त के बाद जो है कार्य क्षेत्र में परिश्रम की कमी आ सकती है, कार्य क्षेत्र जहां आप जो भी कार्य करते हैं वहां आप जो है परिश्रम कम करेंगे, परिश्रम की कमी आती हुई दिख रही है। और 21 अगस्त के बाद जो है कारोबार में वृद्धि के योग दिख रहे हैं, लाभ के अवसर भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त का यह समय। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, 11 अगस्त के बाद जो है आपको भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, भवन सुख की वृद्धि आपको होती हुई दिख रही है, आपको जो है नया भवन या भूमि का योग बनता हुआ दिख रहा है, पिता का भी आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है और 17 अगस्त से जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार 17 अगस्त के बाद होना शुरू हो जाएगा। 21 अगस्त के बाद जो है कारोबार पर आपको ध्यान देना है, कठिनाइयां भी इस समय आप में आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं मीन राशि यानी कि अंतिम जो राशि है 12वीं राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2023 का यह समय। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, 11 अगस्त के बाद तरक्की के अवसर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं,
कार्य क्षेत्र में भी जो है वृद्धि होते हुए दिख रही है और 17 अगस्त से जो है खर्चों में भी वृद्धि आपके होते हुए दिख रही है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत आपको इस समय रहना है और 21 अगस्त के बाद जो है परिवार में शांति बनी रहेगी, परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है, कारोबार में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं, यात्राएं आपकी लाभप्रद होते हुए दिख रही है और संगीत के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है, संगीत में जो है आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। तो मेष राशि से लेके जातकों का 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त का यह समय कैसा रहेगा, यह आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी अवगत कराई। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।